दोस्तों, स्टॉक मार्केट ने पिछले एक महीने में बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। 15,200 के आसपास निफ्टी अभी थोड़े दिन पहले गया था और अब 16,700 के ऊपर निफ्टी यहां पर निकल चुका है। तो काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतनी अच्छी मार्केट यहां पर चल रही है और क्या अब यहां पर आपको करना चाहिए। क्या बुल रन शुरू हो चुकी है? क्या फिर से निफ्टी 18,500-18,600 को पार करके अपना ऑल टाइम हाई बनाने वाली है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट में इतना बड़ा उछाल क्यों आ रहा है। उसका सबसे पहला रीजन है कि हमने बात की थी कि जुलाई से जो कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स का सीजन शुरू हो चुका है, जो हो चुका है। लेकिन जो एक पॉजिटिव बात यहां पर निकल के आ रही है कि मोस्टली जो कंपनीज हैं उनके जो नंबर्स आ रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन से अच्छे आ रहे हैं। आज से एक महीने पहले तक बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मार्केट में थी हर चीज को लेकर कि रिसेशन आने वाला है और वो सब चीजें लेकर, लेकिन वो जो नंबर्स अब कंपनीज के आने लगे हैं वो धीरे धीरे कुछ लेवल की पॉजिटिविटी स्टॉक मार्केट में डालने लगे हैं कि ये जो रिसेशन आने वाला है इसके जो चांसेस हैं, आज से कुछ टाइम पहले तक ये बात हो रही थी कि 70-80% चांस है कि यूएस में रिसेशन आ चुका है, अब वो गिर के 40% चांसेस रह गए हैं कि यूएस में रिसेशन आएगा। तो उसकी वजह से एक पॉजिटिविटी ऑल ओवर ग्लोब मार्केट में यहां पर देखने को मिलती है। इंडिया की मार्केट 10% से ज्यादा ग्रो हुई है पिछले एक महीने में। यूएस की अगर आप नैस्डेक को देखेंगे तो वहां पर 15-20% के गेन्स आपको देखने को मिले हैं। बहुत अच्छा उछाल वहां पर भी आपको देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करेंगे, दोस्तों देखिए, हम हमेशा से बात करते आए हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जितना बाइंग इंडिया में करते हैं जब-जब, तो एक अच्छा उछाल देखने को मिलता है। लेकिन अभी जो पॉजिटिव चीज आई है कि जुलाई मंथ में सेलिंग इनकी रुक चुकी है। जून में हमने जबरदस्त सेलिंग देखी थी, जून में अप्रैल बहुत जबरदस्त सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की देखी थी। अब यहां पर उनकी जो सेलिंग है वो रुक गई है। कुछ दिन वो बाय करते हैं, कुछ दिन वो सेल करते हैं। जैसे आज अगर आप देखेंगे उन्होंने 600-700 करोड़ के आसपास सेल किया है, कल उन्होंने 1800 करोड़ के आसपास बाय किया था। तो एक कंसिस्टेंट जो सेलिंग देखने को मिल रही थी, डेली 5,000-6,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिल रही थी, वो यहां पर रुक चुकी है। वो एक बहुत पॉजिटिव चीज इंडिया की मार्केट के लिए यहां पर निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट यहां पर ग्रो कर रही है। अब बात आती है कि क्या अब आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलने वाली है, क्या ये फिर से एक बुल रन की शुरुआत हो चुकी है? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हम पिछले 7-8 महीने के अगर निफ्टी के चार्ट को आप समझेंगे, अक्टूबर में निफ्टी ने, अक्टूबर 2021 में निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 18,600 के आसपास। उसके बाद निफ्टी का डाउनफॉल आया और लगातार निफ्टी में गिरावट आई। उसके बाद दोबारा से जनवरी आते आते निफ्टी ने फिर से 18,000 के आसपास का आंकड़ा छुआ था। फिर दोबारा से डाउनवर्ड गई निफ्टी, वहीं पर फिर से 15-16,000 के आसपास गई और फिर आप देखेंगे दोबारा से ग्रोथ निफ्टी में देखने को मिली है। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है पिछले 6-7 महीने में जब निफ्टी ने 10-12% की रिकवरी यहां पर दिखाई है। तो वो चीज आपको समझकर चलनी है यहां पर, क्योंकि अगर हम मैक्रोस की बात करते हैं, अभी भी आपको एक चीज समझनी है, रिसेशन के जो परसेंटेज है वो कम हुई है, 40% चांस अभी बोला जा रहा है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। तो मार्केट में वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि यहां से वन वे स्टॉक मार्केट चलेगी। अब यहां पर देखने वाली बात रहने वाली है 16,800 का एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस यहां पर पिछली बार निफ्टी ने दिखाया था। तो अगर 16,800 को पार करती है निफ्टी यहां पर, तो 17,000 के भी ऊपर तक निफ्टी यहां पर जा सकती है। तो मैं उस टाइम पे आपको यही बोलूंगा, अगर जाएगी तो, कि जो आपके खराब शेयर्स हैं, जो आपके खराब म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप फंसे हुए हैं, उनसे निकलने के बारे में वहां पर आपको सोचना है और ज्यादा पैसा उस वक्त डालने के बारे में नहीं सोचना है। इस वक्त आपको कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है जल्दबाजी में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कुछ भी नहीं करना है। जब मार्केट 15,800 और 15,200 गई थी तो हमने अपने चैनल पर बात की थी, मैंने आपको बोला था कि एक लमसम का टाइम वो आ चुका है, वो एक अच्छा टाइम था 15,800-15,200 के लेवल्स पे। अगर आपने वहां पर इन्वेस्ट किया होगा तो आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अगर आप वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे, आपको, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स, मैंने लाख बार बोला है कि आप जज नहीं कर सकते कि मार्केट कितना नीचे जाएगा, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये उम्मीद कर रहे थे कि निफ्टी 14,500 के आसपास तक जा सकता है, जो कि ऐसा नहीं हुआ, वहां से मार्केट लौट आया है। तो आपको अभी फोमो में आकर बहुत ज्यादा बाइंग नहीं करनी है। स्टॉक स्पेसिफिक नंबर आपको चूज करना है, जो बढ़िया स्टॉक्स हैं जो अभी तक नहीं चले हैं उनमें आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। देखिए, अभी भी अगर आप देखेंगे निफ्टी 10-12% बढ़ी तो है,
लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स हैं सिर्फ उन्हीं में आपको रिटर्न मिल रही है, जो खराब स्टॉक्स रहे हैं वहां पर आपको अभी भी रिटर्न्स नहीं आई है। आप देखिए आईसीआईसी बैंक हमने बात की थी 700 के लेवल पे, आज 800 के लेवल पे आ गया है। 15% के आसपास की रिटर्न आईसीआईसी बैंक ने एक महीने में आपको बनाकर दे दी है। उसी तरफ अगर आप दूसरी कंपनीज देखेंगे, टीसीएस के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे तो उसकी रिटर्न देखेंगे, या फिर आप जोमेटो पेटीएम इन कंपनीज को देखेंगे, वहां पर अभी भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा लॉस में है, क्योंकि जिन कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, फंडामेंटल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अभी नहीं दिख रहे हैं, उन कंपनीज में अभी भी रिटर्न्स नहीं आ रही है। तो आप वो चीज समझकर इन्वेस्ट करें अगर आप अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक है, किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट, आपको मैंने पहले ही इसलिए बोला था, सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना है कि वो 50% 60% गिर गया है। वही स्टॉक्स चलेंगे जो अच्छे फंडामेंटल्स में है, जो रिसेशन में अच्छा करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर में एक जबरदस्त रिटर्न्स आ रही है। मैंने आपको 15-20 दिन पहले ही बोला था कि एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर, एफएमसीजी बैंकिंग ऐसे सेक्टर होते हैं जहां पर रिसेशन में आपको अच्छी रिटर्न्स देखने को मिलती है। तो आप वो चीज समझकर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, क्योंकि मैक्रोस अभी भी ऐसा नहीं है कि एक वन साइडेड बुल रन अभी हमें चलने को देखने वाली है। लेट्स सी कि यहां से मार्केट कितना और ऊपर जाता है, लेकिन एक लेवल मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में आने वाला है जहां पर कंसोलिडेशन फेज मार्केट का फिर से शुरू होगा। पिछले 6-7 महीने में आप देखेंगे तो 15,000 से 18,000 के लेवल्स पे मार्केट बहुत टाइम से यहां पर कंसोलिडेट कर रही है। तो उन चीजों का आपको ख्याल रखिए। मार्केट में गुड न्यूज आई है, लेकिन ऐसा न्यूज नहीं है कि मार्केट में फिर से बुल रन, एक वन साइडेड बुल रन यहां पर शुरू होगी। तो इस चीज को ख्याल में रख के आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, क्योंकि काफी सारे लोग अभी मैसेजेस कर रहे थे कि क्या हम अब भर भर के पैसा लगा सकते हैं। तो देखिए, भर के पैसा लगाने का टाइम 15,800 पे था। उम्मीद करता हूं आपने वीडियोस देखी होगी और आपने उस टाइम पे पैसा लगाया होगा। अगर आपने उस टाइम पे पैसा नहीं लगाया था तो इस वक्त आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बच के रहिए। अभी थोड़ा थोड़ा जो स्टॉक स्पेसिफिक कंपनीज हैं वहां पर इन्वेस्ट करिए। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, देखिए सबसे बड़ी सीख यहां पर यही है कि एसआईपी करते रहिए। मार्केट का कुछ नहीं पता कितनी नीचे जाएगी कितनी ऊपर जाएगी, लेकिन एक चीज तय है कि जब तक जितनी जल्दी मार्केट नीचे जाती है उतनी जल्दी ऊपर भी आती है, जो यहां पर देखने को मिल रहा है। तब बहुत सारे लोग नेगेटिव हो रहे थे, तो आपके लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि अगली बार अगर मार्केट फिर से ऐसी गिरावट देखने को मिलती है तो आप अपना पैसा उस वक्त इन्वेस्ट कर पाए। और आज से एक महीने पहले मैंने आपको 5-6 स्टॉक्स बताए थे जिनमें 15-20% के रिटर्न दिए। अगर आप लोग बोलेंगे मैं दोबारा से उन स्टॉक्स पे वीडियो बनाकर डिस्कस कर लूंगा कि अब आपको क्या उन स्टॉक्स में करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।